गंगा मैया की, यमुना मैया की, दीदी भोली दीदी भोली महोत्सव विकसित भारत ग्राम उद्घाटन स्थल निरीक्षण एवं विभिन्न योजनाओं के आज लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और इस जनपद के प्रभारी मंत्री जो लगातार यहाँ के विकास को आगे बढ़ाने के लिए आप सबके साथ लगातार प्रयास करते हैं, आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, अभी आपने जिसको सुना इस जो टिहरी लोकसभा क्षेत्र है उसका भारत सरकार में हमारे राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला लक्ष्मी शाह जी, गंगोत्री क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश चौहान जी, पुरोला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई भुवनेश्वर लाल जी, जमुनोत्री क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई संजय अग्रवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री दीपक बिगलवाड़ जी, पूर्व विधायक आदरणीय राजकुमार जी, हमारे प्रजा मंत्री आदरणीय केदार सिंह रावत जी, सभी हमारे क्षेत्र पंचायत के प्रमुखगण, सभी हमारे पदाधिकारीगण, मंचासी एवं कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, माताएं बहनें, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग उपस्थित, मेरे सभी नौजवान युवा साथियों, हमारे यहाँ के जिलाधिकारी श्री अभिषेक जी, श्री अर्पण जी, SSP एवं सभी पूरे जिले की हमारी सभी प्रशासनिक इकाई के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं सबसे पहले तो इस उत्तरकाशी की इस पवित्र भूमि को नमन करता हूँ और दीदी भोली महोत्सव कार्यक्रम जिसमें इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए और आप सब लोगों ने मेरा भाई आदरणीय प्रेमचंद जी का, माला लक्ष्मी शाह जी का, सभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, सबका इस प्रकार से स्वागत किया, रास्ते भर जैसा अभी आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी कह रहे थे अपने आप में अभूतपूर्व था। मैं अपनी तरफ से आपके द्वारा जो आशीर्वाद दिया गया, इतना स्नेह प्रदान किया गया, अपनी सभी दीदी भूलियों को, माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं और नया वर्ष, कैलेंडर का नया वर्ष प्रारंभ हुआ है, इस कैलेंडर के नए वर्ष का 2024 की भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। माघ मेला जो हमारा मकर संक्रांति, उत्तरायणी और तमाम जो नाम है नामों से 14 मार्च को यहाँ पर होता है, उसकी भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज के इस दीदी भोली महोत्सव जो कि हमारी मातृशक्ति का प्रतीक है, इसके पीछे हमारा हेतु है, उद्देश्य है कि हमारी दीदियाँ, भोलियाँ, माताएं, बहनें जो ग्रामीण अंचलों में रहती हैं, समाज के अंतिम छोर में रहती हैं, कठिनाइयों में, संघर्षों में जिनका जीवन चलता है, उन सबका सशक्तिकरण हो, उन सबको आगे आने का अवसर मिले। इस महोत्सव के अवसर पर जैसा अभी आदरणीय प्रेम जी ने बताया कि इससे पहले 3 जनपदों में इस प्रकार के कार्यक्रम हमारी दीदी भूलियों के, ग्वारी बेटियों के, ईजा बहनी के सशक्तिकरण के लिए किए गए और चौथा जनपद आज उत्तरकाशी का था, मंगा माँ गंगा का ये उद्गम स्थल, यमुना जी का स्थल या बाबा विश्वनाथ की धरती पर
इस ऐतिहासिक संख्या में आप सब लोगों ने आकर जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। आप सबने जो स्वागत किया है, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। ये उत्तरकाशी की पुण्य भूमि को जहाँ भगवान विश्वनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त है, वहीं इस महान भूमि में गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पवित्र धाम स्थित हैं। यहाँ से निकलने वाली पावन नदियां गंगा यमुना जीवनदायी तो है ही है, साथ ही हमारे देश के बहुत बड़े भूभाग को आज तमाम प्रकार से कहीं सींचने के काम से, कहीं पीने के काम से, लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने का काम करती है। पूरी जो अन्नदाता है उन अन्नदाताओं के साथ एक बड़े भूभाग को उपजाऊ बनाने का काम भी ये गंगा और यमुना करती हैं। मैं यहाँ पर आकर स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज ऐसी भूमि पर खड़ा हूँ जहाँ के लोगों ने खुद को अपनी लोक संस्कृति एवं लोक कलाओं से जोड़कर रखा हुआ है। अभी हम देख रहे थे मौरी क्षेत्र के अपने भाइयों बहनों को, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम को, हमारी संस्कृति को। मैं अभिभूत हूँ आप सबको यहाँ देखकर कि आप संस्कृति से अपनी जो विरासत है, हमारे पूर्वजों की बनाई हुई मान्यताएं हैं, उन सबसे यहाँ जुड़े हुए हैं। आज यहाँ पर उत्तरकाशी जिले के लिए 57 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और 45 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से अनेक योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। यह आने वाले समय में हमारे इस उत्तरकाशी जनपद के लिए विकास के क्षेत्र में एक विकास के मील का पत्थर साबित होंगे। इन योजनाओं द्वारा न केवल यहाँ का विकास सुनिश्चित होगा बल्कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों को भी लाभ मिलेगा। आज इस अवसर पर हमारे मंच पर विराजमान अन्य लोगों को भी मैं सुनना चाहता था। भाई दुर्गेश्वर लाल जी भी अपनी बात कहना चाहते थे, संजय जी भी कहना चाहते थे, अन्य लोग भी अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन समय की कमी के कारण से आप सबकी बात हम नहीं सुन पाए। लेकिन आप सब लोगों के द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए, भाई सुरेश चौहान जी के द्वारा एक बड़ा प्रस्ताव यहाँ आप सबके सामने रखा है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम प्रतिबद्धता के साथ, हम संकल्पबद्ध होकर लगातार इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इन सारे प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। आज तिलोद विद्युत ग्रह मंजरी भाली यहाँ पर हमारे मंच पर लाखीराम जोशी जी भी आए हैं योजनाओं में, उनका भी बड़ा हम क्योंकि हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आज तिलोद विद्युत ग्रह मंजरी भाली के प्रथम चरण के रिंग मेन यूनिट RMU का भी यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। लगभग 189 करोड़ की लागत से निर्मित इस RMU से उत्तरकाशी में अनेक विद्युत के कार्यों का निष्पादन सुधार का कार्य किया जाएगा। बड़ा हर्ष का विषय है कि यहाँ पर जो हमारी मातृशक्ति है, जो हमारी दीदी भैया है, हमारी माताएं बहनें हैं, वो आज स्वरोजगार के क्षेत्र में बहुत शानदार काम कर रही है और इतना शानदार काम कर रही है कि कई बार मैं कहता हूँ कि हमारी दीदी भूलियों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, जो तमाम प्रकार के नए नए चीजों को वो चाहे हथकरघा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आज खाने पीने की चीजें हो, सिलाई बुनाई के क्षेत्र में हो, बच्चों के लिए खिलौने बनाने का काम हो, चाहे रिंगाल से बनाने वाली तमाम प्रकार की जो उत्पाद है उन सभी को हम देखें तो कई बार ऐसा लगता है कि जो है जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी फेल करने का काम कोई करता है। तो हमारी माताओं बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, मैं इसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूँ। ये जहाँ स्वयं को स्वावलंबी बनाने का काम कर रही है, अन्य जो लोगों को भी अपने साथ स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। नगदी फसलों और सब्जियों के उत्पादन को लेकर रवाई घाटी आज पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है। खेतीबाड़ी और पशुपालन के जरिए कैसे आजीविका को मजबूत किया जाता है, कैसे सशक्तिकरण किया जाता है, उनकी प्रेरणा यहाँ के लोगों से निश्चित रूप से मिलती है।
ये आप सबके द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं, ये केवल यही के लिए नहीं, आने वाले समय में एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करेंगे। ये हमारे राज्य के लिए जो एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, वो बेस्ट प्रैक्टिस अन्य प्रदेशों के लिए भी, अन्य स्थानों के लिए भी एक मॉडल का काम करेंगे, आने वाले समय में प्रेरणा का काम करेंगे। पशुपालन के क्षेत्र में उत्तरकाशी जिला अग्रणी जिलों में से एक है, जहाँ दुग्ध उत्पादन में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ साथ अभी नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड में देश भर के जिलों के बीच कृषि के क्षेत्र में उत्तरकाशी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, मैं इसके लिए भी आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ जल जीवन मिशन के अंतर्गत उत्तरकाशी जिले का जो हमारा भटवाड़ी विकास खंड है, भटवाड़ी विकास खंड प्रथम विकास खंड है, जिसमें 100% जल संयोजन कर दिया गया है। इसके लिए भी मैं जल जीवन मिशन से जुड़े हुए जिले के सभी अधिकारियों को, पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। मुझे बताया गया है कि राज्य स्तरीय ओपन महिला फुटबॉल प्रतियोगिता केवल खेल महाकुंभ में, राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में भी उत्तरकाशी के टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आज इस कार्यक्रम में विभिन्न महिला समूहों द्वारा जो अनेकों स्टॉल लगाए गए थे, जहाँ एक जगह मुझे भी बचपन में उखल में, अरे भाई पता नहीं आपने तो करा के नहीं करा, लेकिन बचपन में उखल से धान कूटने का, अन्य जो हमारे उत्पाद होते हैं उनको कूटने का बचपन में मैंने प्रैक्टिस किया था। प्रैक्टिस क्या किया था तो देखता था, तो बहुत लोगों ने किया होगा, इधर भी बहुत लोगों ने किया होगा, मैं भी था, तो मुझे लग रहा था कि जो लोग मुझसे कह रहे थे उनको लग रहा था कि हो सकता मैं प्रैक्टिस करूँ पहली बार, लेकिन मैंने थोड़ी देर में मैं समझ गया, जब उधर से हमारी बहन वो भी कूट रही थी, ऐसे मैं भी कूट रहा था, एक उंगली में वो डाल रही थी मुसल को, एक बार मैं डाल रहा था, तो मुझे अपने बचपन के दिनों की भी याद ताजा हो गई। और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए आत्मनिर्भरता जो मंत्र है, उसको धरातल पर उतारने का काम यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। हमारी मातृशक्ति की प्रतिभा एवं कौशल से सभी को परिचित कराने का कार्य भी हो रहा है। हम उत्तराखंड राष्ट्र के निर्माण में जो हमारी माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा संघर्ष है, उत्तराखंड राज्य अगर हमको प्राप्त हुआ है तो कोई इस बात को भुला नहीं सकता कि उसमें मातृशक्ति का योगदान सर्वाधिक रहा है। उन्होंने जो संघर्ष किया है, चाहे वो खटीमा का गोलीकांड हो, चाहे वो मसूरी का गोलीकांड हो, या मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा का भीषण वो कांड हो, वो हमेशा हमारे जहन में रहेगा। इस संघर्ष के साथ ही साथ अभी हम सबके सामने हमारे आराध्य देव श्री राम मंदिर के लिए भी हमारी माताओं बहनों ने बड़ा संघर्ष किया था, और आप सबकी मनोकामना 22 जनवरी को पूरे होने जा रही है, जिस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों श्री राम मंदिर में राम लला विराजमान हो रहे हैं, और जो वर्षों वर्षों का, 500 वर्षों से भी अधिक का जो हमारा, हमारी प्रतीक्षा थी, हमारा इंतजार था, वो समाप्त हो रहा है। आज केंद्र सरकार के सहयोग से हमारी राज्य सरकार और सभी जो भारतवर्ष के सनातन स्वरूप को बनाए रखने के लिए, उसको कायम रखने का हमने संकल्प लिया है। आपने देखा होगा पिछले दिनों बड़े पैमाने पर हमने अतिक्रमण हटाया है, और ये अतिक्रमण नहीं हटाया बल्कि तमाम समय से जो देवभूमि के मूल स्वरूप को बिगाड़ने का प्रयास हो रहा था, उसको ठीक करने की दिशा में हमने प्रयास प्रारंभ किया है। ये प्रयास हमारा रुकने वाला नहीं है, देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। ये केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं कि जो देवभूमि का मूल स्वरूप है वो बना रहना चाहिए। आपके, आपको वचन देते हैं, आपके आशीर्वाद से हम इस उत्तराखंड को, जो हमारा देव स्वरूप है, हमारा जो सनातन स्वरूप है, उसको किसी कीमत पर हम बिगड़ने नहीं देंगे। उस स्वरूप को बनाए रखना हमारा संकल्प है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम बदलते हुए भारत में देश की माताओं बहनों के लिए जो अनेकों अवसर हैं, अनगिनत अवसर हैं, उनको मैं शब्दों में व्यक्त करूं तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। अनेकों अवसर आज आ रहे हैं, आज गाँव गाँव में हमारी मातृशक्ति के लिए जहाँ घर बन गए, प्रधानमंत्री आवास योजना में शौचालय बन गए, गैस बन गई, गैस मिल गई है, बिजली पानी जैसी मूलभूत जो सुविधाएं, उन सुविधाओं से जोड़ने का काम हो रहा है।
बेटियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी आवश्यक जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। आज देश भर में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर, यहाँ भी मैं देख रहा था, बहुत सारी माताएं बहनें अनेकों स्वयं सहायता समूहों का संचालन कर रही हैं और आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रही हैं। उत्तराखंड में भी हमारी बहनें स्वयं सहायता समूह में प्रत्येक क्षेत्र में आज बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए हैं, जिसका जुटा जाता उदाहरण आज के आपके द्वारा लगाई गई यहाँ पर प्रदर्शनी है, यहाँ के स्टॉल है। महिलाओं में स्वरोजगार का दायरा बढ़ाने तथा जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है उसमें अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने जो स्वतंत्र भारत में पहली बार जो प्रयास किए हैं, या जो मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए चाहे संसद के अंदर नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास किया हो, या अपने आप में अभूतपूर्व है, भूतों ने भविष्य की हमारी माताओं बहनों को आगे लाने के लिए जो काम उनके द्वारा किया जा रहा है, उन्हीं के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर भी हम अपनी मातृशक्ति को, हमारी दीदी बहनों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर इस प्रयास में लगे हैं कि हमारी मातृशक्ति के जीवन को जितना ऊपर उठाया जा सकता है, जिनको उन्नयन की ओर ले जाया जा सकता है, उत्कृष्ट बनाया जा सकता है, उनको सशक्तिकरण की ओर ले जाया जा सकता है, हर प्रकार से उनको आत्मनिर्भर बनाना हो या उनको स्वरोजगार से जोड़ना हो, रोजगार से जोड़ना हो, उस सभी क्षेत्रों में हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने इस प्रक्रियाओं के तहत 30% का आरक्षण राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में हमारी माताओं, बहनों को, दीदी बहनों को देने का हमने यहाँ पर कानून बना दिया है, यहाँ पर हमने विधेयक पास कर दिया है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे राज्य के अंदर, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में हमारी माताएं बहनें कितनी कठिनाइयों में काम करती हैं, उनका जीवन कितनी कठिनाइयों में बीतता है, किस प्रकार से वो अपने खेती बाड़ी करती है, किस प्रकार से बच्चों का लालन पालन करती है, अपने घर में जानवरों को पालती हैं, किस प्रकार से अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये विधेयक विधानसभा के अंदर लाकर ये विधेयक में सुनिश्चित कर दिया कि जितनी भी हमारी सरकारी नौकरियां निकलेंगी उसमें 30% का आरक्षण केवल और केवल हमारी माताओं बहनों के लिए होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधाई योजना और नंदा गौरा योजना, मातृ वंदना योजना, महिला पोषण जैसी अनेकों योजनाएं हमने प्रारंभ की हैं। उन योजनाओं के बारे में बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, हम उन सभी योजनाओं को अमल में ला रहे हैं या आगे भविष्य में लाएंगे, जिससे हमारी दीदी भूलियों के जीवन स्तर में उनके आगे बढ़ने के अवसर प्रदान हो, उनके आगे बढ़ने के रास्ते बने। हम अपनी मातृशक्ति को स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं जो हमें करने चाहिए। आदरणीय मोदी जी के विजन के अनुरूप हमारी प्रदेश की सरकार प्रदेश के विकास के लिए संपूर्ण तरीके से प्रतिबद्ध है और यह हमारा प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक उत्तराखंड के अंतिम छोर में, अंतिम व्यक्ति तक विकास की धारा नहीं पहुंच जाती है। जब तक हम विकास समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक नहीं पहुंचाते हैं, तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। मुझे प्रसन्नता है आप सबके द्वारा लगातार जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, हमने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, आदर्श राज्य बनाने के लिए, एक मॉडल राज्य बनाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, जो विकास की यात्रा प्रारंभ हुई है, उस विकास की यात्रा में मेरे उत्तराखंड का एक एक जन उसका सहभागी बन रहा है, उसमें सहयात्री बन रहा है और उसने संकल्प लिया है कि हम जो है उस गंतव्य तक पहुंचेंगे। भाई बहनों, ये जो विकल्प है, संकल्प की बात मैं करता हूँ, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने की बात करता हूँ, ये केवल अकेले मेरा संकल्प नहीं है, ये इस मंच पर बैठे हुए लोगों का भी संकल्प नहीं है या कुछ लोगों का संकल्प नहीं है, ये उत्तराखंड के हर एक माता बहन का, हर एक हमारे बुजुर्ग का, हर एक नौजवान का और भविष्य के हर एक हमारे बच्चों का जो हमारे कर्णधार हैं, उनको उनका संकल्प है। इसलिए इस संकल्प की पूर्ति के लिए हमको आगे बढ़ना होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले
हमारे पवित्र धाम बाबा केदारनाथ के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा भाइयों बहनों, और उनके मुंह से निकले हुए सब आज धरातल पर उतरने शुरू हो गए हैं। आप हर क्षेत्र में देखिए, आप चाहे चार धाम यात्रा हुई, आप सब लोगों ने देखा होगा पहले के समय में किस प्रकार की चार धाम यात्रा होती थी, कुछ लाखों लोग बड़ी मुश्किल से आ पाते थे, और अब हमको लोगों से कई बार निवेदन करना पड़ता है कि मौसम खराब हो गया है, बर्फबारी ज्यादा हो गई है, ज्यादा बरसात हो रही है, सड़कें ठीक नहीं है, आपदा की स्थिति हो जाती है। उस समय हम निवेदन करते हैं कि भाइयों बहनों उस समय में आप इसको रोक दीजिए, रोकने का काम करिए। हम पूरे देश के लोगों से लगातार कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज 56 लाख लोगों ने आज उत्तराखंड के चार धामों के दर्शन किए हैं। इसके साथ साथ हरिद्वार के अंदर जो हमारी कांवड़ यात्रा यहाँ से लेकर हरिद्वार तक शुरू होती है, उस कांवड़ यात्रा में 4,15,00,000 लोगों ने इस वर्ष भाग लिया है। लगातार अगर हम पिछले साल की बात करें, पिछले साल से अगले साल की बात करें, इससे अगले साल की बात करें, हर साल यात्रा में लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है। भाइयों बहनों उत्तराखंड तेजी से हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। अभी अभी आप लोगों ने सिलक्यारा की घटना का यहाँ से उल्लेख किया, मैं बाबा बोधनाथ जी को प्रणाम करता हूँ कि उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर इतना बड़ा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, और उसमें हर एक व्यक्ति ने, इस जनपद के हो, प्रदेश के हो, देश के लोगों ने अपना योगदान दिया। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हमको जिस चीज की भी आवश्यकता हुई, उन्होंने वो सारी टेक्नोलॉजी, वो सारे विशेषज्ञ, वो सारी मशीनरी, चाहे जिस प्रकार के उपकरण हमको चाहिए थे, वो सभी हमको उपलब्ध कराने का काम किया। भाइयों बहनों मुझे पूरा विश्वास है कि जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमने संकल्प लिया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका सहयोग और समर्थन हमें और हमारी सरकार को लगातार मिलता रहेगा। आज पुनः मैं आप सभी को इस बहुत ही भव्य आयोजन के लिए बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, और हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो अपनी बात रखी है, उस बात को हम प्राथमिकता से आगे के कार्यक्रमों में उसको सम्मिलित करेंगे। पुनः अपनी दीदी भूलियों को बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आने वाले समय में जिस ऊर्जा के साथ, जिस उत्साह के साथ आज आपने अपने सशक्तिकरण के लिए यहाँ भाग लिया है, ये यात्रा अब शुरू हुई है, आज ये कार्यक्रम इस जनपद में तेजी से शुरू हुआ है, इसको हमें रुकने नहीं देना है। हमें यहाँ से संकल्प लेकर जाना है, यहाँ से हमको एक शपथ लेकर जानी है, यहाँ से एक सौगंध लेकर जाना है कि हम अब हर क्षेत्र में अव्वल रहेंगे, स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वयं का रोजगार करेंगे और अन्य लोगों को भी रोजगार से और स्वरोजगार से काम से जोड़ने का काम करेंगे। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। साथ ही साथ ये ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का एक शपथ है, आप सब लोग इस शपथ को मेरे साथ दोहरा देंगे कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड की जो शपथ है, हम एक साथ आगे खड़े हो जाइए, हम एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के रूप में शपथ लेते हैं कि हम जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। हम अपने परिजनों, मित्रों एवं परिचितों को भी तंबाकू उत्पादों एवं नशीले पदार्थों का सेवन न करने के लिए प्रेरित करेंगे। हम प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर युवाओं को नशे के विरुद्ध जागरूक करने का कार्य करेंगे, ताकि भारत का युवा वर्ग नशा मुक्त जीवन यापन कर सके और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। आज हम प्रतिज्ञा करते हैं, नशे से दूर रहेंगे और देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाएंगे। धन्यवाद।